के लिए साइमन टूल ने एक लड़के का इनबॉक्स का मैसेज उठा के रीट्वीट किया और उसने बोला है कि भाई मैं जिस बात के पैसे लेता हूं अपना ओपिनियन देने के, मैंने वो दिया है और तुम मेरी माँ बहन को तो गाली दे रहे हो, मेरी माँ को मरे हुए इतना टाइम हो गया है। तो ये हाल कर दिया यार इन लोगों ने, मतलब एक आदमी के यार, मतलब उसमें के बाबर, मतलब वो सही बात कर रहा है यार, वो क्रिकेटिंग सेंस बता रहा है भाई, वो क्रिकेटर है। साइमन टूल, साइमन टूल कहां से क्रिकेट को इतना समझने लगा कि वो बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज करे भाई। I want the Pakistan Cricket Board to kick this fellow out, Simon Dole, immediately. अगर इस Pakistan Cricket Board में कुछ भी थोड़ी अक्कल है तो ये अभी बोले Simon Dole को कि भाई चल टिकट पकड़ो निकलो यहां से तुम। ये कोई तरीका है? एक बंदा ये पहली दफा ऐसे नहीं किया, इसने पहले इसी तरह बाबर आजम के बारे में बकवास की थी। एक फॉरेन कमेंटेटर बैठ के कैसे आपके कप्तान के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि वो कप्तान जो है वो अपने न्यूजी लेडीज खेल रहा है और टीम के लिए नहीं खेल रहा है। एक वो बाहर का कमेंटेटर बैठ के बकवास कर रहा है उसके बारे में और लोग उसकी मतलब रेफरेंस दे रहे हैं साइमन टूल का। मैं देखना चाहता हूं साइमन टूल जाए आईपीएल में और रोहित और धोनी के बारे में कोई बात करके दिखा दे चले कमेंट्री में, मैं देखता हूं। बीसीसीआई एक मिनट ही लगाएगा उसको भगाने में, वहां से एक मिनट ही लगाएगा बीसीसीआई, दे विल टेल हिम गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आप यार कैसे अलाउ कर रहे हैं कि कमेंटेटर बैठ के आपके कप्तान के बारे में इस किस्म की इंसिनुएशंस कर रहे हैं? गंजा के बच्चों उसको तुम गालियां लिख रहे हो, ललक तुम्हारी शक्लों के ऊपर, नाजायज औलादे साले पता नहीं कहां से पाकिस्तान के नाम पे धब्बा बनते हो तुम लोग। भाई क्रिकेट को क्रिकेट ही रहे, जेंटलमैन गेम है यार ये, इसमें अगर मां बहन तुम करोगे ना तो मां बहन तो तुम्हारी भी होगी। फिर साइमन टूल को तो शरीफ आदमी, उस माशरे का आदमी नहीं है जहां पर इस तरह की इंतहा पसंद आना सोच रखी जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पाकिस्तान कितने जाहिल और कितने गवार है यह तो आप जानते हैं, लेकिन बाबर आजम के फैंस इतने जाहिल है या आप इस वीडियो में जानने को आप जान पाएंगे कि बाबर आजम के फैंस जो है वो साइमन टूल की मां को लेकर इतनी भद्दी गालियां दी है, जो कि आपने जो इंट्रो में जो मैंने फोटो लगाया उसमें देखा होगा कि साइमन टूल ने एक बात कर दी कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट जो है वो बेकार है और वो टीम के लायक नहीं है, इस रन जो वो बना रहा है टीम उसमें नुकसान हो रहा है। इसी बात को लेकर जो बाबर को उसने क्रिटिसाइज कर दिया, इसको लेकर पाकिस्तानी फैन उमर पड़े, बहुत सारे पाकिस्तानी फैन तो ट्विटर में आके भर भर के उसके गाली दिए, लेकिन एक ने तो हद ही पार कर दी, साइमन टूल के इनबॉक्स में जाकर उसकी माँ बहन को गाली तक दे दी, मतलब इतनी भद्दी गाली की बोला नहीं जा सकता। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी क्या सोच रख रहा है तो जिसने आपने इनबॉक्स में देखा, तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। और वो कमेंटेटर अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, आप उसको गंदी गंदे अलकाबात से नवाज रहे हैं यार, वो हमारा मेहमान है, वो बाहर जाएगा जब वो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को बताएगा कि पाकिस्तान में ये कल्चर है, लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है, बच्चे डायरेक्ट गालियां देते हैं, तो आप मुझे बता दें आपका इमेज ऊपर होगा या नीचे गिरेगा? ये मुतालबा दुरुस्त है कि बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि उनको किक आउट कर देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, भाई वो चले जाएं इस टूर्नामेंट में, मजीद कमेंट्री ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं जो आपको नहीं मालूम, साइमन टूल एक बार दोहराने कमेंट्री रोहित शर्मा को भी क्रिटिसाइज कर चुका है, उसका काम ही यही है ना, एक्सपर्ट है कि उसको किक आउट कर दो, ये जहालत है ना, इसमें क्रिकेट कहां है? साइमन टूल ने क्रिकेट बताई है यार, क्रिकेट बताइए उसने, मुझे इस पे क्रिकेट का काउंटर दे दो आप, ठीक है? आपके पास दुनिया का कोई भी इंसान आपको मिले आप इस पे क्रिकेट का काउंटर, ये काउंटर था सबके पास कि हमारा स्टार है। अच्छा स्टार से मतलब नहीं, स्टार कौन होता है, क्या जितवाया उसने पाकिस्तान को? नहीं, अब आपने मुझे इमोशनल कर दिया, माजरा मेरा भाई है यार, मेरे मुल्क का लड़का है, वैसे कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन मुझे बताया उसने पाकिस्तान को जितवाया क्या अब तक? जब भी गैर मुल्की लोग आते हैं आपके मुल्क में किसी भी इवेंट को कवर करने, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, वो पैसे भी लेते हैं आपसे, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर उनकी क्रिकेट की एक्सपर्टीज का आप एहतराम नहीं कर सकते तो खुदा के लिए किसी की माँ को गाली ना दीजिए यार। आप क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर कि आप में से कुछ बच्चे इतने ज़हनी तौर पर, कौन से बच्चे जो ऐसी बातें कर रहे हैं? बच्चे होंगे ये पता नहीं किसके बच्चे होंगे। ये साइमन टूल ने एक लड़के का इनबॉक्स का मैसेज उठा के रीट्वीट किया और उसने बोला है कि भाई मैं जिस बात के पैसे लेता हूं अपना ओपिनियन देने के, मैंने वो दिया है और तुम मेरी माँ बहन को तो गाली दे रहे हो, मेरी माँ को मरे हुए इतना टाइम हो गया है। तो ये हाल कर दिया यार इन लोगों ने, मतलब एक आदमी के यार, मतलब उसमें के बाबर, मतलब वो सही बात कर रहा है यार, वो क्रिकेटिंग सेंस बता रहा है भाई, वो क्रिकेटर है, वो यहाँ पे मक्खन पॉलिश लगाने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है यार, जो तुम लोग ड्रामेबाजियां करे जा रहे हो नाम ने, आज लोग बैठकर कौन छोड़ता है ये लोग यार, कौन छोड़ता है? मेहमान है वो हमारा, इतनी खूबसूरत क्रिकेट वो बता रहा है, उसका एक अंदाज है, आप देखिए साइमन टूल इज अ वेरी गुड कमेंटेटर, मैं उसकी ओपिनियन को अभी साइड पर रखता हूं, वंडरफुल कमेंटेटर, उसके बाद उस चीज पर जगहसाई हो रही है। तुम लोग बातें करते हो फला लोग हमें बुरा कहते हैं, वो तो तुम्हारे एक्ट में पूरे पाकिस्तान के लड़कों को यही समझ रहे कि उन्हें क्रिकेट बतानी नहीं आती यार। अच्छा सिर्फ ये साइमन टूल नहीं है, मैं बताऊं पिछले 2 सालों में मैं तो मारता हूँ बुल्ले पे, यानी मेरे घंटे पे, और मैं तो फोड़ भी दूंगा पकड़ के, मेरे तो कोई मिलता भी नहीं है, मुझे बोलते बहुत है लोग यहाँ उठ के मिलियो वाला, अबे मिल लेना किसी दिन, पे लपेट दूंगा मैं, सही वाला गाली गोली सब आती है मेरे को, ये बता दूं, मैं कोई हल्का आदमी तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है? और कोई भी हो, मतलब वो कोई भी हो, इतना फेयर ओपिनियन, इतना ओपन ओपिनियन देना जो है ना वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है। फेयर एनालिसिस आप करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं अप्रोच जो है ना वो कोई हर्फ नहीं आएगा। इसी तरह साइमन टूल का, अभी मैं साइमन टूल की बात कर रहे हैं, हमारे बड़े जान पहचान के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ चीजें शेयर करी है, यानी कि कैसी इंतहा पसंद सोच के लोग, अबे कौन सी औरतों से पैदा हो जाते हो तुम लोग, हैं किसकी, कहां से लाते हैं ये वाली पकड़ के,
गुलामाना सोच की मतलब औलादे कहां पे पलती है ये। लानत दे दूंगा मैं ऐसे लोगों को पकड़ के, देश तो नाबूद हो जाए इस तरह के लोग मेरी तरफ से। लानत दोनों वक्त मिल रहे मेरी तरफ से बद्दुआ ऐसे लोगों के ऊपर। ये वाली सोच पाकिस्तानी की नहीं हो सकती भाई। समझ गया, एक आदमी अपना फेयर एनालिसिस दे रहा है जो तुम्हारे बैठे में, तुम्हारे तुम्हारे जो बैठे में वो मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? काउंटर है इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है, बैठ के जो सच बोल रहा है उसका गला दबा लो। लाना चाहे तुम्हारे ऊपर सेठी साहब इस तरह के तमाम एलिमेंट को किल करे, पकड़वा इनको, ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे। एक तो तुम्हारे घंटे का बल्लेबाज जिसको दो साल कप्तान बने हो गए, आज तक उसके स्ट्राइक रेट पे उससे सवाल हो रहा है। गंजर के बच्चों उसको तुम गालियां लिख रहे हो। ललक तुम्हारी शक्लों के ऊपर नाजायज औलादे साले पता नहीं कहां से पाकिस्तान के नाम पे धब्बा बनते हो तुम लोग। मुराद वो जिसकी हरकत है वो स्पेसिफिक जो साइमन डूल ने उठाया वो तो कोई बहुत ही घटिया आदमी होगा, लेकिन कहने की बात है तुम लोग मेच्योर बनते हो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो तुम्हारा मेहमान है यार, वो तुम्हारा मेहमान है। पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद क्रिकेट बहाल हुई है भाई। हमारे यहाँ 2-3 साल पहले तक क्रिकेट पर तहफुजात थे, अभी भी हालात बड़े लॉ एंड ऑर्डर के खराब थे। ऐसे में ये बेचारे लोग हैं जो आपकी क्रिकेट में अच्छा मकाम बनाते हैं, ये बाहर जाते हैं पूरी दुनिया में, फिर ये जो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बातें करते हैं वो मैटर करती है, कमेंट्री में नहीं। कि नहीं यार पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, पैशनेट है। वो जाके क्या बताएगा कि यार वो मेरी माँ को गाली देते हैं पाकिस्तान में बैठ के, अगर मैं कोई अपना क्रिकेट पे ओपिनियन किसी प्लेयर के अगेंस्ट चला जाए मेरा। आप लोगों को इस बात को सोचना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। और मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा कंडेम करें यार, आप लोग भले जिससे भी प्यार करते हैं वो हमारा मेहमान है, फॉर्मर क्रिकेटर है, क्या हरकतें कर रहे हो? किसी अपने वाले को बोल देते ठीक है, वो तो अपना था, लोकल था, ठीक है, लेकिन ये गलत है भाई। क्रिकेट को क्रिकेट ही रहे, तो जेंटलमैन गेम है यार ये। इसमें अगर मां बहन तुम करोगे ना तो मां बहन तो तुम्हारी भी होगी। फिर साइमन डोल को तो शरीफ आदमी, उस माशरे का आदमी नहीं है जहां पर इस तरह की इंतहा पसंदाना सोच रखी जाती है। उसने एक चीज उठाई और बता दिया, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को बदनाम कर दिया। उसने तुम्हारे एक चुतियापे से जो है ना, तुम्हारी इन फालतू के मैसेजेस से हुआ क्या, उसने उठा के डाल दिया यार लोग ये सोच रखते हैं, ये सोच रखते हैं। और कमाल है साइमन डोल करता हूं भाई कि मेरी तरफ से माफी कबूल करें। हम बच्चा करते हैं साइमन, वो बच्चा पाकिस्तान में है। वी अपोलोजाइज ऑन दैट पैथेटिक गाइस बिहाफ, बट जिसने विराट कोहली के अरूज पे, विराट कोहली जब रुकी नहीं था, मैं 2021 का सिनेरियो बता रहा हूँ, मुंबई के अंदर टेस्ट मैच चल रहा था, इंडिया न्यूजीलैंड आई थी इंडिया में टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, 2021 का था ये सीजन था, मुंबई के अंदर टेस्ट मैच चल रहा था। साइमन डोल ने कमेंट्री के अंदर रगड़ डाला विराट कोहली को, कि विराट कोहली तो डिनाइल में रहता है, विराट कोहली को ये बात पता ही नहीं है। विराट कोहली से जब पूछो कि जी लास्ट सेंचुरी कब आई थी, वो कहता है पता नहीं मुझे कितनी इनिंग्स हो गई, और विराट कोहली कोई को जाके बताए कि 2019 में उसकी सेंचुरी आई थी, आखिरी 2 साल हो गए उसकी कोई सेंचुरी नहीं है, वो डिनाइल के अंदर है, वो अपने आपसे ऑनेस्ट नहीं है। उसने ऑन एयर कमेंट्री में विराट कोहली को रगड़ डाला था। मुझे तो एक बंदा नहीं दिखता जिसने इतनी बड़ा इशू बना दिया साइमन डोल को, जी साइमन डोल ने विराट कोहली को रगड़ डाला, और विराट कोहली उस वक्त कप्तान भी था। विराट कोहली को उसने ऑन एयर रगड़ा, विराट कोहली मुझे तो शोर नहीं दिखा। अगर उसकी एक ओपिनियन है भी, वो सही है वो गलत है, डिबेट को डिबेट से जाके गलत करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको किसी के लिए गालियां मकनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। अगर कोई आपके ओपिनियन से अग्री नहीं करता, that shouldn't be anyone's concern, let's be honest about it। लेकिन वो वाली बात, क्योंकि वो गोरा है, वो फॉरनर है, उसके लिए पाकिस्तानियों का दिल धड़क रहा है, तो भैया जो आपके खुद के पाकिस्तानी है उनको जब मां बहन की गालियां बकवाते हो, उनको उनके घर में जाके उन लोगों को ऐसा पोट्रे करते हो कि इनको तो भरे चौराहे में निकाल के इनको मार देना चाहिए, तो उस वक्त शर्म और छाया की तरफ जाती है तुम लोगों। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया का रवैया था इस मुद्दे को लेकर, मतलब जो फॉर्मर क्रिकेटर है उनके मोहसिन खान और एक एनालिस्ट है वाहिद खान, उनकी सोच क्या है आज आपको पता लग गया होगा। मतलब ये जो मोहसिन खान है उन्होंने कहा कि जो साइमन डोल की वो क्या औकात है कि वो बाबर आजम के बारे में बोले, क्या बाबर आजम इतना बड़ा हो गया उसके बारे में कोई बोल भी नहीं पाएगा? क्या कर लिया उसने, कोई टूर्नामेंट जीता के दे दिया? उससे अच्छा तो सरफराज खान है जो आपको 2017 चैंपियंस ट्रॉफी उठा के दे दिया, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। और वाहिद खान जिस तरह की बात बोल रहे हैं, मतलब आपके एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका इज्जत खुद बखुद रखिए, आप तो उससे भी मतलब उस मतलब जो बंदे ने बोला उसके साथ अपने आप को कंपेयर करें, उसको देश से निकाल दीजिए, या आईपीएल में होता तो ऐसा नहीं बोलता, ये क्या है? मतलब आईपीएल में वो बोल चुका है, वो विराट कोहली को बोल चुका है, रोहित शर्मा तक को वो क्रिटिसाइज कर चुका है, आपकी तरह नहीं है कि वो बाबर की मतलब बाबर की बस बेफालतू की प्रेजिंग कर रहा है। और उसके साथ साथ वासे और इफी भाई ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप जो मतलब उन्होंने माफी तक भी मांग दी, सही बात है, क्योंकि देखिए अगर अपने मुल्क की इज्जत पहले रखिए
और अपने इज्जत बाद में रखे, क्योंकि अपने इज्जत चले जाए तो चले जाए, लेकिन अब जब एक कमेंटेटर आपके यहाँ पर आता है, वो आपका गेस्ट होता है, आप उसके साथ बिहेवियर खराब कर रहे हो, आप उसके माँ को गाली दे रहे हो, तो ये एक बुरा इमेज बाहर को जा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान को तो कुछ अच्छा इमेज नहीं है मतलब वर्ल्ड में, लेकिन जो इमेज बन चुका है उसको और भी खराब कर रहे हैं ये जो बाबर आजम के प्यान है, ये जो कमेंट साइमन डोल को गाली देकर, आपको जरूरत नहीं थी कि साइमन डोल को गाली दे और उसको, वो सिर्फ कमेंटेटर है, उसको जो वो ब्लंट कमेंटेटर है जो सही को सही बोलता है गलत को गलत बोलता है तो बोल दे तो बोल दे, इसमें क्या है अपना मतलब। जब शाहिद अफरीदी बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा था तो शोएब अख्तर ने क्रिटिसाइज किया, उसकी माँ बहन को तो आपको जरूरत नहीं पड़ी गाली देने के लिए, क्योंकि वो आपके देश का है, वो बाहर देश का है, उसका कोई इज्जत नहीं है। मतलब इस तरह का सोच जो पाकिस्तानियों का जाहिल और कट्टर सोच है, इस तरह से जितने दिन तक यही सोच पाकिस्तान में पलता रहेगा, पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइमन डोल को इससे जो बेहुदा मैसेज किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, आपका इसको लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।